नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका वो शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मशरूम सूप की। और कई सारे मुझे मैसेज आए कि मशरूम सूप हम लोग होटल्स में जाते हैं पीने, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार से आता है। कहीं पे बिल्कुल पतला होता है, कहीं पे उसके अंदर चंक्स होते हैं, कहीं पे वो आप बोल सकते हैं कि कड़ी के जैसे नज़र आता है या एक सॉस की तरह नज़र आता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्या इनकी रेसिपीज़ अलग होती हैं, ये इसलिए है या कुछ और इसके पीछे लॉजिक है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये सारी की सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। अगर आप एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर आप ऑनर हैं तो आपको तो बिल्कुल ही पता होनी चाहिए, या अगर आप कोई फूड लवर भी हैं तो आपके लिए एक ये नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। अब अगर हम सूप्स की बात करें, या स्पेशली अगर मैं मशरूम सूप की बात करूं, तो यहाँ पे हमारी सूप्स की वो चार कैटेगरी होती है, थिन, थिक, कोल्ड, इंटरनेशनल। इन्हीं चार कैटेगरी के अंदर हम लोग अपनी सूप को डालते हैं। और जो ये कैटेगरीज है वो हमारे कॉन्टिनेंटल मेन्यू का पार्ट होती हैं या कॉन्टिनेंटल फूड होती है। कॉन्टिनेंटल का मतलब है जो भी यूरोप के महाद्वीप हैं उसमें बनने वाला खाना। तो जो ये सारे सूप बनते हैं वो यूरोप के ही महाद्वीप के होते हैं। अब यहाँ पे जो थिन और जो थिक सूप है, उनको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। वलूते है, क्रीम है, प्योरे है। यहाँ पे मैं सिर्फ तीन लूँगा क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ तीन का ही काम है, एक्स्ट्रा कभी बात के लिए रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक मशरूम सूप है उन्हें हम तीन विधियों से बना सकते हैं, जैसे कि क्रीम हो गया, वलूते हो गया और प्योरे हो गया। अगर आप कोई सूप देख रहे हैं जो कि बिल्कुल ही प्योरे जैसा हो, उसमें किसी भी प्रकार का स्टार्च नहीं है जो कि इसको बाइंडिंग के लिए दिया गया हो, तो वो आपका प्योरे सूप है। इसमें आपको मशरूम की बिल्कुल प्योरी नज़र आने लग जाएगी, मशरूम के थोड़े चंक्स भी हो सकते हैं, उसकी गार्निशेस अलग हो सकती है या फिर उसकी सीजनिंग प्रेजेंटेशन अलग हो सकती है, पर कम्प्लीटली ये आपका एक तरीके से प्योरे वाला होगा। कम्प्लीटली इसमें आपको मशरूम का एक थिक और एक रिच अर्थी फ्लेवर आएगा, तो ये आपका जो होता है प्योरे सूप हो जाता है। दूसरा सूप आपको मिलता है यहाँ पे आपके क्रीम सूप। अब क्रीम सूप के अंदर क्या होता है, इसमें आपके मशरूम की प्योरी का एक पार्ट और एक पार्ट लिया जाता है हमारी बेचमल सॉस, या जिसको कि हम लोग वाइट सॉस बोलते हैं। जिस प्रकार से हम लोग अपनी कड़ी बनाते हैं उसी प्रकार से हम लोग अपने वाइट सॉस या बेचमल सॉस बनाते हैं, जो कि हमारी दूध से और मैदे और हमारे बटर से बनती है। तो इसका एक पार्ट और दूसरा जो प्योरे का एक पार्ट, उनको मिक्स किया जाता है और कुक किया जाता है हमारा जो कि क्रीम सूप, और इसके अंदर हमारी जो क्रीम है वो डाली जाती है, बाकी गार्निश में चंक्स वगैरह हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्रीम सूप हो जाता है। तीसरा हमारा यहाँ पे आ जाता है वलूते सूप। वलूते सूप के अंदर हमारा जो मशरूम है, मशरूम का स्टॉक रेडी किया जाता है और एक रू नामक एक पदार्थ होता है जिसमें कि जैसे कि हमारा बनता है बटर और फ्लावर से, उससे जो मशरूम के स्टॉक को गाढ़ा किया जाता है और एक सूप का वहाँ पे रूप दिया जाता है। साथ साथ इसमें ढेर सारे जो मशरूम के जो चंक्स हैं स्लाइसिस करके, सौते करके या बॉयल करके डाले जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी को एक आप बोल सकते हैं टेक्सचर देते हैं, हमारी एक सूप की बॉडी को टेक्सचर देते हैं। तो यहाँ पे मशरूम सूप को तीन अलग अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, इसीलिए वहाँ पे जब भी आप होटल्स में या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो आपको अलग अलग प्रकार से दिखता है। आप जब भी नेक्स्ट टाइम किसी भी होटल में जाएँ तो आप देखिएगा कि उनके मेन्यू में क्या लिखा है। क्रीम अगर सूप लिखा होगा तो उसके अंदर ढेर सारी क्रीम होगी, फ्लावर होगा, गाढ़ा करने के लिए उसको यूज़ किया गया होगा। अगर वलूते होगा तो उसमें स्टॉक होगा, अगर प्यूरे होगा तो कम्प्लीटली वो प्यूरे होगी, मशरूम की सीजनिंग हर्ब्स वगैरह आपकी अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। तो इन्हीं कारणों से आपका एक सूप अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है। इसी प्रकार अगर आप टमाटो की बात करें, टमाटो को भी हम लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। चिकन की बात करें, चिकन को भी हम लोग इसी प्रकार से अलग अलग तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया किस प्रकार से एक सूप अलग अलग बन जाता है, क्योंकि कॉमन इंसान को या कॉमन व्यक्ति को ये लगता है कि भाई मशरूम सूप बोले तो हर जगह एक जैसे मिलना चाहिए, या फिर आपके मन में ये आता है कि उनकी रेसिपी अलग है। जी हाँ, उनकी रेसिपी अलग होती है पर बेसिक सबके सेम ही होते हैं। तो ये सारे जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं होटल्स में, अगर हम लोग कोई भी मशरूम सूप या किसी भी प्रकार का सूप बना रहे हो। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, या फिर कोई भी लॉजिक वाली बातें आपको समझ नहीं आ रही होगी तो प्लीज़ मुझे नीचे लिखिएगा, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर वीडियो बना कर जरूर दूंगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।